सांपों के जहर की तस्करी मामले में फंसे यूट्यूबर एल्विस यादव ने गुरुवार को श्री काशी विश्वनाथ के दर्शन किए। उन्होंने इस दौरान परिसर में गर्भगृह में फोटो भी खिंचवाया, जिसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। एल्विस की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, जिसके बाद वाराणसी कचहरी के एक अधिवक्ता प्रतीक कुमार सिंह ने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सीपी के नाम लिखे पत्र को उनकी गैरहाजिरी में ज्वाइंट सीपी डॉक्टर के एजिलरसन को सौंपा। अधिवक्ता ने अधिकारियों को दिए पत्र में कहा कि वह जन्म से हिंदू हैं, वह काशी विश्वनाथ मंदिर में अटूट श्रद्धा व विश्वास रखते हैं। कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें एल्विस यादव के काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने की जानकारी हुई। इस दौरान उन्होंने गर्भगृह के पास फोटो भी खिंचवाई, जिससे मंदिर प्रशासन समेत जिला प्रशासन वाराणसी पर सवालिया निशान उठ खड़ा हुआ है। पुलिस आयुक्त साहब को एक दरखास्त दिया है एल्विस यादव के खिलाफ। आज एल्विस यादव 25 तारीख को विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गया। दर्शन के साथ साथ उसने मंदिर परिसर में फोटो भी खिंचवाई, जहाँ पूर्णतः फोन प्रतिबंधित है, यहाँ तक अधिवक्ताओं को पेन भी प्रतिबंधित है। तो मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, जाँच का विषय मैंने सर से एप्लीकेशन दिया है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ये प्योर आपराधिक किस्म का व्यक्ति है, इसके खिलाफ पूर्व में कई आपराधिक मुकदमे रह चुके हैं। मेनका गांधी द्वारा भी इसके खिलाफ एक मुकदमा कराया गया था, जो स्नेक नशा सांपों द्वारा नशा हो रहा था, उसके खिलाफ इसमें मुकदमे हो जाए। इसके 7 दिन पूर्व इससे ईडी ने पूछताछ भी की है। ये प्योर आपराधिक किस्म के व्यक्ति को काशी विश्वनाथ एकदम हिंदुओं की जहाँ आस्था है, इस सावन महीने में जहाँ कोई प्रोटोकॉल नहीं लग रहा, उसकी फ़ोटो वहाँ कैसी खींची गई, इस विषय में एल्विस यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उस फोटो खींचने वाले व्यक्ति भी, चाहे वो पुलिस प्रशासन का हो चाहे मंदिर प्रशासन का हो, उसके खिलाफ भी मुकदमा तुरंत दर्ज। अधिवक्ता ने इस प्रकरण को लेकर काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा में सेंध की आशंका जताई है। कहा कि काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण में मोबाइल फोन व कैमरे का इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित है। प्रतिबंधित क्षेत्र में लगातार हो रहे कैमरे के इस्तेमाल से नियमित दर्शनार्थियों की भावना आहत हो रही है व मंदिर की सुरक्षा में सेंध लगने की प्रबल संभावना है। अतः निवेदन है कि संपूर्ण प्रकरण को संज्ञान में लेकर आवश्यक विधि कार्रवाई की कृपा करें। इसके बाद इसे संज्ञान में लेकर ज्वाइंट सीपी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, अभी सुबह कुछ लोग आके शिकायत दिया है, कंप्लेंट दिया है, उस संबंध में हमने डीसीपी सिक्योरिटी को जांच के लिए आदेश दे दिया है, समुचित कार्रवाई किया जाए। किस तरह की कंप्लेंट? नहीं, इस तरह का जो है, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जैसे मंदिर में कैसे फोटोग्राफी अलाउड किया है, इस संबंध में सर आमतौर पर ये देखने को मिल रहा है कि वहाँ पे लगातार जो रेड जोन में जो लोग हैं, वीआईपीज भी लोग हैं, वो फोटोग्राफी करा रहे हैं। नहीं, 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 ये 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 गलत है। ये बिना देखे एलिगेशन मत लगाइए, क्योंकि चारों तरफ यानी इससे मुकम्मल सिक्योरिटी व्यवस्था है, इसमें ऐसा कोई छुप हो ही नहीं सकता है। अगर यदि इस तरह का आ गया सामने, तो डेफिनेटली वो इंक्वायरी करते हैं। कल की भी फोटो है, वो कल सामने आई है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। फॉर दैट ओनली आई एम टेलिंग, इंक्वायरी बड़ा लेवल का आदेश दिया है, डीसीपी सिक्योरिटी स्वयं उसको जांच कर। वहीं इस मामले में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के मुख्य कार्यपालक अधिकारी विश्वभूषण मिश्रा का कहना है कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, बल्कि नियंत्रित क्षेत्र है। यहां अपने मोबाइल या कैमरे से फोटो नहीं ले सकते। मंदिर प्रशासन अपने कैमरे से उपलब्धता के अनुसार स्वयं फोटो करवाता है। पूरा क्षेत्र हाई रेजोल्यूशन CCTV से भी आच्छादित है।